अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी कहती है कि भैया सुबह उठते ही बेडशीट को फोल्ड करके रख दो। शादीशुदा नहीं है तो मम्मी कहती है बेटे सुबह सुबह उठ के अपनी बेडशीट को फोल्ड करके रख दो, कपड़े फोल्ड करके रख दिया करो। अब ये तो घर का सीन है, लेकिन एक ब्रांड है जिसने पिछले 3 साल से इस वर्ड को पकड़ लिया है, वो है फोल्ड। उसने कहा यार कपड़े फोल्ड करने के तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम आपको कहेंगे कि एक फोन हम दे रहे हैं जिसे आप अनफोल्ड कर लीजिए। क्या है इस फोन की खासियत? हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड टेक भाई टेक का, और आज हम बात करने वाले हैं फोल्ड भाई साहब के बारे में, और इसे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन जो कि है एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के, और निमेश दुबे। सो हमने ये फोन यूज किया है, देख लिया है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हैं, फोल्ड 2 भी देखा था, फोल्ड 1 भी देखा था। सो स्टार्ट करते हैं नंदू के साथ। नंदू, फोल्ड 2 लॉन्च हो चुका था, हमने यूज किया था, अब फोल्ड 3 आ चुका है मार्केट में। डिजाइन के मामले में आपको कोई मेजर चेंज नजर आ रही है? थोड़ा पतला लग रहा है, थोड़ा हल्का लग रहा है, हाथ में थोड़ा ग्रिप बेटर कर रहा है फोन, राइट। सो और खुलने का जो पूरा उसका मोशन है तो वो थोड़ा स्मूदर है, ये मुझे ये लगा। और मेन चीज तो वही है कि आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा जब फोन खुला है वो विजिबल नहीं है, मतलब विजिबल है पर विजिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और नंदू निमिष, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो फोल्ड 2 हमने देखा था, जब भी उस फोन को ऐसे खोलते थे तो एक हल्की सी आवाज आती थी कर कर टाइप की, वो इस वाले में नकारात है, उसको गायब कर दिया गया है। और खासकर जैसे आप फ्रंट कैमरा की बात कर रहे थे, बिल्कुल उसको आप देखेंगे तो लगेगा कुछ भी नहीं है, जाली हल्की सी नजर आ जाएगी, लेकिन जैसे एक्टिवेट करेंगे वो भाई साहब यानी कि फ्रंट कैमरा आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, काला सा सर्कल नजर आ जाएगा। ओवरऑल ग्रिपिंग में काफी आसान है, आप सिंगल हैंड, अगर आपके मीडियम साइज के हाथ भी हैं, अब वॉल्यूम रॉकर होगा या फिर पावर ऑन बटन होगा जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, इजीली एक्सेस कर सकते हैं फोल्ड वाली स्थिति में। अगर खोल देंगे तो 2 हाथ यूज करने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील में थोड़ा सा पतला हुआ है, किताब का डिजाइन है और किताब थोड़ी सी पतली कर दी गई है। निमिष, आपको क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा डिजाइन में नए वाले फोल्ड में? संदीप, जैसे आपने नंदगोपाल दोनों टच किया, जिसे कहते हैं ना कि सैमसंग के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो अकेली एक कंपनी है, शायद अकेली कंपनी है जो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन फोल्डेबल्स की मार्केट में लेके आया है। बाकी लोगों ने हम लोगों को प्रोटोटाइप दिखाएं कि चलिए ये बन रहा है, ये रोल आउट स्क्रीन है, ये इस तरह से घूम के बनता है, रूबिक्स क्यूब की तरह घूम जाता है, इत्यादि इत्यादि बीटा हमने कई देखे हैं, कुछ लोगों ने एक आध प्रोडक्ट निकाले हैं। सैमसंग के एक फ्लो सा चल रहा है, तो एक कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन की जो फीलिंग आती है वो इसमें आती जा रही है। और फोल्ड 3 जो देखा जाए वो काफी ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है। हमें पहले फोल्ड 1 फोल्ड 2 में जैसे आपने कहा ना कि फोल्ड 2 खोलते वक्त हल्की सी आवाज होती थी, बीच में जो बॉर्डर था बहुत सपाट लगता था कि भाई थोड़ा सा जायल लगता था। इसमें आपके पास डस्ट वाटर रेजिस्टेंस आ गई है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ गया कि कैमरा डिस्प्ले के नीचे चला गया है, सामने का डिस्प्ले जो है जब आप बंद कर देते हैं सामने का डिस्प्ले ज्यादा यूजेबल लग रहा है। पिछले वाले फोल्ड 2 में तो यूजेबल लगता नहीं, लगता था कि बहुत ज्यादा यू नो जैसे टीवी का रिमोट हो जाता था वैसे हो जा रहा था, ये ज्यादा यूजेबल लग रहा है। तो जैसे हम कहेंगे ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है वो लग रहा है। और खैर अंदर तो आप एसपेन चला सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और निमिष, जैसे कि आपने बताया कि इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि वाटरप्रूफिंग कर दी गई है कि आप इसको, कंपनी का कहना है पानी में लेके चले जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फोन को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डस्ट प्रूफ में अभी भी कंपनी की तरफ से कोई दावा नहीं हो रहा है, यानी कि डस्ट प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन नंदू, यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वाला जो नया फोल्ड 3 है ये एस पेन भी सपोर्ट करता है, एस पेन डब्बे के अंदर नहीं आता है, कुछ लोग इसमें भी यूज के सिनेरियो पाएंगे कि अलग से एस पेन खरीदने का? हाँ, आई थिंक इसके साथ एस पेन का काफी अच्छा यूज होगा, राइट, बिकॉज ये फॉर्म फैक्टर एस पेन के लिए बना हुआ है पूरा, लेकिन एस पेन आपको सेपरेट लेके घूमना पड़ेगा, वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो शायद कवर आ जाएगा ऐसे जिसमें एस पेन रखने का जगह होगा आपके लिए, बिकॉज ये एक फोल्डेबल, कोई भी फोल्डेबल चीज हो, ये आप लेनोवो का लैपटॉप ले लीजिए, मोटरोला ले लीजिए,
कोई भी फोल्डेबल चीज, आपको एक चीज बहुत 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 ध्यान रखना है, उसको बंद करते वक्त उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो जब आप यू नो गलती से, मतलब हमारा आदत होता है कि हम किताब पे यू नो पेन से लिख देते हैं, उसको अंदर रख देते हैं और किताब बंद कर देते हैं, तो ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है इसमें। मतलब यू नो ऐसे नहीं कि सबके साथ होगा, बट ऐसे फोन खराब होने का बहुत बहुत चांस है। राइट, इवन पानी के साथ, लाइक वाटर प्रूफिंग आप कह रहे हो, आप वो सोच के कोई बाहर ले जाएगा, फोन तो वाटर प्रूफ है बट लेकिन जब बंद होते वक्त अंदर पानी रह जाता है तो कैसे सिटी, मतलब क्या उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन है मुझे नहीं पता। राइट, तो आज मैं सोच रहा था कि फोन ले जाऊं कि नहीं, आज बहुत बारिश हो रहा था, मुझे बाहर जाना था, तो मैंने छोड़ दिया। राइट, लेकिन नंदू यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात जो की कि जो लोगों की आदत होती है कि बुकमार्क नहीं है तो पेन पेंसिल अंदर रख दी, गलती से भाई साहब आप लोग मत रख दीजिएगा, पेन ले लिया है। लेकिन यहाँ पर अब सिंस अंदर की बात हो ही गई है तो अंदर की एक बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जब लास्ट ईयर हमने फोन को यूज किया था फोल्ड 2 में, जब उसको टच कर रहे थे अंदर के डिस्प्ले को प्लास्टिक फीलिंग आ रही थी, इस बार थोड़ा ग्लासी फीलिंग आ रही है, प्लास्टिक वाला फीलिंग लग नहीं रहा है जो मैंने यूसेज किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा, लेकिन फोल्ड तो नजर आ रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है? सी फोल्ड तो नजर आएगा आपको हमेशा, मतलब वो, मतलब उसके लिए आपको कुछ और ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्चुअली फोल्ड हो रहा है ना, फिजिकली आपका वो चीज फोल्ड हो रहा है, तो उसको मतलब ना आप कैसे उसको नहीं दिखाओगे। राइट, नाउ इसमें जैसे लेनोवो का जो था, मैंने उनका पूरा टेक्नोलॉजी बैकएंड से देखा हुआ है, वो क्या करते हैं, लेनोवो उसको पूरा फोल्ड नहीं करता है, लाइक सैमसंग जितना फोल्ड होता है लेनोवो उसको ऐसे कर देता है, मतलब शेप उनका ऐसे रहता है, वो पूरा फोल्ड नहीं होता है, ऑलमोस्ट यू शेप में रह जाता है, वो उसको अंदर ले लेता है, उनका हिंज सिस्टम ऐसा है। नाउ उसमें फिर क्योंकि आपको टेक्निकली आप फोल्ड नहीं कर रहे हो, आप बेंड कर रहे हो फोन को, स्क्रीन को, तो थोड़ा वो है, रिस्क है। नहीं तो दूसरे टेक्नोलॉजीज क्या कर रहे हैं, वो दो स्क्रीन को साथ में लगा के उसको सिंगल स्क्रीन दिखाने की कोशिश करेंगे। राइट, जब तक आप फोल्ड करोगे आपको कहीं ना कहीं तो क्रीज जो है वो दिखेगा। राइट, बिकॉज इट्स जस्ट फिजिक्स, नो उसमें आप कैसे उसको ये करोगे। और जो आप प्लास्टिक की चीज की बात करें, लेकिन प्लास्टिक अभी भी है, जो फोन खोलते वक्त आपको जो वार्निंग्स आ रहा है उसमें है, अभी भी लिखा हुआ है कि इसका जो कवर है आप उसको मत निकालिए, बिकॉज ये आप प्रोटेक्ट कर रहा है, जो यू नो ये टेक्निकली एक शीट आपके डिस्प्ले के ऊपर है, जो दूसरे फोन्स में आपका जो गोरिल्ला ग्लास वाला शीट होता है वो तो यहाँ आप लगा नहीं सकते क्योंकि गोरिल्ला तो दब जाएगा उसमें। राइट, तो आपको यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी प्लास्टिक शीट यूज करना पड़ेगा। जी, प्लास्टिक शीट गोरिल्ला पे भारी, लेकिन जरूरत है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट वैसी है। लेकिन निमिष, आपको हमेशा लगता है कि एक फोन है, फोन बना इसलिए था ताकि उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, ताकि आप सुन सकें, बाकी चीजें तो बाद में होती रहेगी, फोन बना था ऑडियो के लिए। इसमें आपके पास दो स्पीकर मिल रहे हैं, एक इधर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, एक्चुअली साउंड की क्वालिटी में आप देखा जाए तो सैमसंग और एप्पल एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं अगर देखा जाए, और उन्होंने स्टीरियो स्पीकर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, अगर आपको, आपने तो S21 सीरीज भी यूज की है, नोट नया नोट पिछला वाला नोट भी आपने यूज किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस अगर देखिए देखा जाए सैंडी, ये एक बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट लग रहा है, जो मैंने शुरू में भी कहा आपके पास पहली बार ये था ना कि ठीक है खुल जा रहा है, लेकिन जब आप बंद कर रहे हैं तो क्या होम पेज पे चला जा रहा है, बीच में कोई चीज क्रैश हो जा रही है, बंद करते वक्त फिर भी थोड़ा बल्की लग रहा है, अनइवन लग रहा है, ये काफी फिनिश प्रोडक्ट लग रहा है, ये लग रहा है ठीक है ये प्रोडक्ट आप ले जा सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सबके सामने हम अनफोल्ड करेंगे और लोग कहेंगे बाप रे बाप इसके पास क्या है, वो बात नहीं है, इसलिए कि हम वाकई से खोल करके इस पे काम कर सकते हैं। एस पेन का आना काफी बड़ी चीज है, क्योंकि अब सोचिए आई मीन नोट पे इतनी छोटी जो डिस्प्ले है उस पर हम लोग कितना काम कर सकते थे, आप सोचिए आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आप स्केच कर सकते हैं, आप स्क्रिबल कर सकते हैं, पोटेंशियल, दिस इज लुकिंग लाइक अ कमर्शियल प्रोडक्ट, लग रहा है बाजार के लिए बना है, बस कुछ चहेतों के लिए नहीं बना है। मुझे एक पॉइंट करना है कि 1, 2, 3 वो प्रोग्रेशन और जो वो कहते हैं ना एकदम वो उसका क्लैरिटी जो है और प्रोडक्ट का फिनिशिंग जो है वो अक्रॉस द प्रोडक्ट आपको मतलब पता चल रहा है कि यू नो कंपेयर्ड टू 1 से 2 में काफी फर्क किया आपने और 3 में आपने काफी फर्क किया। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए ये बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है अभी भी,
अगर तीन आइट्रेशन उसके आगे हैं तो ये चार साल पांच साल पुराना टेक्नोलॉजी है मैक्सिमम, राइट। मैंने 2015 में एक फोल्डेबल स्क्रीन देखा था शायद MWC में, जो उस टाइम पे मतलब एक यूनिवर्सिटी ने दिखाया था, है ना, और उनका ये था कि हाथ पे आप बैंड की तरह पहन सकते हो, ऐसे दिखाया था उन्होंने। वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी था उस टाइम पे, तो वो छह साल पुराने की बात है। तो उसके बाद वो कमर्शियल में आके तीन साल हुआ है, इसीलिए उसमें बहुत सारी लर्निंग्स अभी भी है और क्लियरली दिख रहा है कि सैमसंग हर साल सीख रहा है और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर फोल्ड वन फोल्ड टू की बात करें, वो हमेशा ऐसा लगता था कि पायलट स्टेज वाले फोन है, कि काम हो रहा है और बेहतर किए जा रहे हैं, लेकिन फोल्ड थ्री आते आते ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है मार्केट में फोल्डेबल स्पेस में, ये बीटा स्टेज में है। लेकिन ये जो बीटा भाई साहब है, जो बेटा भाई साहब है, ये बेटा भाई साहब बाकियों पे भारी पड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका दाम भी ऐसा नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 1.5 लाख का फोन है। तो आपको क्या लगता है किन लोगों को ये फोन अपील कर सकता है? देखो, ये फोन क्लियरली सबके लिए नहीं है और सैमसंग भी नहीं चाहेगा कि ये सारा आदमी लेके घूमे, राइट। जब रोल्स रॉयस एक टाइम पे बिकता था, सारे लोग खरीदने लायक नहीं होते थे, मतलब रोल्स रॉयस नहीं समझता था कि आप खरीद सकते हो। और इसमें एक इंडियन महाराजा का बहुत अच्छा किस्सा भी है उस जमाने का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद गायकवाड़ था, लेकिन ये वैसे ही है। ये जयपुर के एक महाराजा थे जिनने उसको खरीद के डस्टबिन बना दिया था, कूड़ा कचरा उठाने के लिए उन्होंने 10-15 खरीद लिया, राइट, की नाक काट दी उन्होंने जी, राइट। ये बेसिकली उसमें नहीं है। आप देखिए, आप बोल सकते हो कि मैं टैबलेट खरीद सकता हूँ, लैपटॉप खरीद सकता हूँ इस पैसे में, लेकिन आईफोन के मिड रेंज, मतलब आईफोन 12 प्रो का टॉप एंड के साथ भी इसका प्राइसिंग मैच करता है, राइट। सो ये फोन्स के रेंज में भी है, और आप लैपटॉप को पॉकेट में घूम के पॉकेट में डाल के घूम नहीं सकते, राइट। सो इसी ये बेसिकली आप ये बेसिकली थोड़ा दिखावे वाली फोन है, मतलब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा, मतलब 4-5 साल पहले सैमसंग नोट में गोल्ड कलर आता था, जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गया था, राइट। जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गया था, मतलब साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, कहीं भी जाओ, मतलब मोटा सा गोल्ड का चेन, यहाँ पे भी गोल्ड, गोल्ड का ब्रेसलेट, गोल्ड का चेन, पॉकेट में गोल्ड का फोन, राइट। ये ऐसे लोगों के लिए। आप एक और चीज देखिए, फ्लिप फोन, फ्लिप जो है सैमसंग का, फोल्ड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फोल्ड जो फोन है उसको आपको अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अनफोल्ड टेक्निकली आपको तभी करना है जब आपको कुछ खास करना हो जी, मतलब अनफोल्ड आप तब करोगे जब आपको टैबलेट वाली यूज पे आ रहे हो, आपका फोन वाला यूज फोल्डेड है। सो बेसिकली ये दो डिवाइस है, लेकिन फ्लिप ऐसे नहीं है, फ्लिप एक ही डिवाइस है, फ्लिप में दो डिवाइस वाला यूसेज नहीं है मेरे ख्याल से, और फ्लिप का दाम इससे ऑलमोस्ट हाफ है, राइट जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली आप टैबलेट की जगह आप फोन के साथ टैबलेट भी यूज करो, ये है फोल्ड का यूज। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है, राइट। सो निमिष, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल उठ भी रहा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन लोगों ने ऑफ लेट अपने फोल्ड शोकेस किए हैं, डिफरेंट जगहों पे किया है, मार्केट में इंडिया में आए या नहीं आए वो तो दूसरी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या कोई भी फोल्डेबल फोन इस टाइम सैमसंग को टक्कर देने के लिए तैयार है? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो सैमसंग लगातार बार बार हर साल फोल्ड में इजाफा कर रहा है, फोल्ड वन, फोल्ड टू, फोल्ड थ्री, नई नई चेंजेस ला रहा है, बाकी ब्रांड्स अभी तक प्रोटोटाइप स्टेज से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? संदीप, कंपटीशन तो इसमें फिलहाल नहीं है। अब ये भी कई लोग कह सकते हैं, कंपटीटर्स कह सकते हैं कि जैसे नंदोपाल ने पॉइंट आउट किया, अभी भी ये जैसे कहा जाए मेन स्ट्रीम मार्केट नहीं है। जो फोल्ड थ्री है वो शायद सबसे ज्यादा कमर्शियली यूजफुल डिवाइस है कि आप खरीद सकते हैं, वाकई कह सकते हैं चलिए इसमें आप टैबलेट का काम कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं, बाहर यूज कर सकते हैं, बाहरी डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट एज अ फोन, अ टैबलेट, और अगर चाहें तो नोटबुक की तरह भी अगर आप टाइप करने में अगर आपकी रुचि है वैसे। लेकिन बाकी जो फोन्स हैं
बाकी जो कंपनियां हैं वो अभी तक जहां तक हमने देखा है उनका फोकस फोल्डेबल पे जैसा चला था दो साल पहले, जो एकदम धाक सब लोगों की चल गई थी कि नहीं ऐसे रोलेबल होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, वो थोड़ा सा पीटर आउट कर गया है। अब वो किस कारण है ये हमको पता नहीं, लेकिन इस समय अगर आप देखिए सैमसंग का, जैसे हमने पॉइंट आउट किया, प्रोग्रेशन है, ग्रोथ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ नाम भर के लिए हर साल आपने निकाल दिया, ठीक है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जैसे बुरा न माने लेकिन कई फ्लैगशिप्स में दिखता है ना कि प्रोसेसर बदल दिया, कैमरे में 2-3 मेगापिक्सल और डाल दिया, चलो भैया ये लो फ्लैगशिप हो गई तुम्हारी। फोल्ड में ऐसा नहीं हुआ है, फोल्ड में एक्चुअली फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है, फोल्ड में इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो यानी सैमसंग इसमें काफी, जिसे कहा जाए काफी काम कर रहा है और इसके पास एक लीड सी बन गई है। अब ऐसा अगला चैलेंज ये है कि अगर एक मेन स्ट्रीम फोल्ड ये ले आए, अब सपना देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड एम सीरीज, शायद भगवान जाने जब आएगी, लेकिन उनके पास लीड इस समय है। दूसरी ब्रांड्स के पास इस समय लग नहीं रहा है कि इतना डेवलपमेंट ये लोग कर पाएंगे। राइट निमिष, आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास इस टाइम पर अर्ली मूवर एडवांटेज है, जहां पर इन लोगों ने प्रोटोटाइप से स्टेज से लेके एक्चुअली मार्केट या प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है। नंदू, अब एकदम संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा कि अगर दो प्लस पॉइंट आपको लगते हैं फोल्ड में वो कौन से होंगे और दो नेगेटिव पॉइंट कौन से रहेंगे, एकदम संक्षिप्त में। प्लस पॉइंट उसका वर्सेटिलिटी है, बेसिकली दो डिवाइस, यू नो एक डिवाइस में आपको दो चीज मिल रहा है, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि फोल्ड वन और फोल्ड टू से फोल्ड थ्री बेटर है, राइट। और नेगेटिव पॉइंट बेसिकली ये है, ये सबके लिए फोन नहीं है, ये अभी भी एक मार्की शोकेस फोन है, और दूसरा इसका लॉन्ग टर्म यूज मुझे अभी भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। निमिष, आपको क्या लगता है? अग्री करूंगा मैं नंदगोपाल के साथ कि बहुत वर्सटाइल डिवाइस है, और एक्चुअली एस पेन के सपोर्ट के साथ और ज़्यादा वर्सटाइल हो गई है, डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, स्टर्डी ज़्यादा लग रही है, आपके वाटर रेजिस्टेंस इत्यादि वो सब आ गए हैं प्ले में। नेगेटिव पॉइंट्स तो चलिए, सबसे बात नंदगोपाल ने सीधे बात कह दी कि हाँ पहले से इम्प्रूव हो गई है, लेकिन वो फोल्ड करते करते खुद अपने आप का फोल्ड अप हो जाएगी हमको नहीं पता, क्योंकि हमने फोल्डेबल्स की तो भाई क्या है, बेचारे 2-3 साल से ही तो रहे हैं, है बातें नहीं, आप इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, वो दरार जो बीच में आपको दिख रही है वो दरार फैलेगी ये आपको नहीं पता। और दूसरी चीज जो मुझको थोड़ी सी, जिसके बारे में थोड़ा सा मुझे हल्का कंसर्न है, मैंने बैटरी साइज जो देखी है, अभी तो इतनी देर तक इस्तेमाल किया नहीं तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप दो डिस्प्लेस ड्राइव कर रहे हैं, बड़े बड़े डिस्प्लेस ड्राइव कर रहे हैं, काफी ब्राइट डिस्प्लेस ड्राइव कर रहे हैं, बैटरी लाइफ के बारे में मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। अगर आप टैबलेट की तरह यूज करिए तो शायद उतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे फोन और टैबलेट की तरह यूज करिएगा शायद थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। बिल्कुल, और अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि प्लस पॉइंट टू इन वन डिवाइस है, जैसे कि नंदू ने कहा था कि टैबलेट और आपके स्मार्टफोन है, लेकिन इसके साथ साथ जब इन लोगों ने एस पेन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो डिजिटल पैड भी बन गया है, लेकिन ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि इन लोगों ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया एस पेन को साथ में देने का या लगाने का, वो मुझे थोड़ी सी कमी लगती है। दूसरा जो आपका पॉइंट था कि बैटरी कम है, इससे मैं भी सहमत हूं, लेकिन मुझे एक और कमी लगती है कि बैटरी तो कम है लेकिन चार्जिंग तो बढ़ा सकते थे। सैमसंग हिस्टोरिकली देखा जाए तो चार्जिंग स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता है, इमीडिएटली नहीं बढ़ाता है कि बाकियों की तरफ 65-55 ऐसी वॉट चार्जिंग नहीं दे देगा, लेकिन अगर बैटरी साइज कम रखा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते शायद बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में, टाइम आ गया है आज का वीडियो को फोल्ड करने का। मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर अनफोल्ड करेंगे किसी और डिवाइस के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन।